हेलो गाइस, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड। मेरे चैनल का नाम हिमाचल ट्रैवल सैंडी है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं इस वीडियो में आपके लिए, बने रहेगा, स्टे ट्यून। जैसे कि कोविड रिपोर्ट्स लग रही है नहीं, और बर्फ शिमला में, सबसे मेन मौसम कैसा रहेगा आपको बता देता हूँ कि फिलहाल शिमला पे बॉर्डर पे अभी आपकी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट नहीं ले रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि आपको कोरोना है, आप बीमार हैं, तो आ जाइए, स्टे सेफ एट योर प्लेस, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और भी शिमला आ रहे हैं, हिमाचल आ रहे हैं, वेयर योर मास्क, अपना हैंड सैनिटाइजर हमेशा अपने पास रखिएगा। और अब तीसरी बात है वेदर। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग फिलहाल इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि शिमला में या हिमाचल में बर्फ़ कब पड़ेगी। आपको बता दूंगा, सारा दिन ख़राब रहा है मौसम, और हल्के हल्के बर्फ़ की फाई जैसे हम बोलते हैं वो देखे गए कुफरी में। तो अभी सारा दिन मौसम ख़राब था, बहुत ठंड है बोला जा रहा है। अभी दो दिन के लिए पूरा हिमाचल में 5 जगहें ऐसी हैं जिन्हें हाई अलर्ट पे रखा गया, मनाली शिमला उनमें से एक है। तो शिमला अगर आप आ रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अगर आप यहीं हैं तो अभी शिमला को भी हाई अलर्ट पे रखा गया है। हाई अलर्ट इसलिए क्योंकि यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, और उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद आज रात को भी बर्फ़ पड़ सकती है, और आगे आने वाले 5 दिन मौसम ख़राब रहेगा। तो आपको शिमला में भी हैवी स्नोफॉल देखने को मिल सकता है, अगर आप स्पेसिफिकली या स्पेशली स्नोफॉल के लिए आ रहे हैं। मनाली में तो ऑब्वियसली बर्फ़ है ही है, अभी नारकंडा में भी काफ़ी बर्फ़ होगा। जब शिमला में बर्फ़ पड़ता है तो नारकंडा और कुफरी में ज़्यादा बर्फ़ पड़ता है, तो शिमला में ही बर्फ़ देखने को मिलेगा। तो सो गाइस, बी वेरी सेफ अगर आप आ रहे हैं तो बी सेफ। खुशी की बात है कि अब इंडिया में वैक्सीनेशन शुरू होने वाली है। आज हिमाचल में शिमला में यहाँ पे ड्राई ड्रिल था, जिसमें कि दीनदयाल उपाध्याय और कसुमटी स्कूल है हमारा गवर्नमेंट स्कूल, जहाँ पे ड्राई ड्रिल रखा गया था, जिसमें कि ये डिसाइड देखा गया है कि कैसे पैटर्न से हम जो है कोविड वैक्सीनेशन लगाया जाएगा लोगों को, और कैसे सेफ्टी मेजर्स सब कुछ लिया जाएगा, वो आज ड्राई ड्रिल एक तरह से किया गया। तो इसका मतलब आने वाले टाइम में हिमाचल और शिमला के लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि वैक्सीन कभी भी आपको लग सकता है। तो गई ये तो होगी वेदर की बात, ये वैक्सीन की बात होगी। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट अभी जो हिमाचल में और शिमला में नया अपडेट हुआ है तो वो बिल्कुल एक्जैक्ट जानकारी देता है। तो उसने यही कहा है कि आज रात को या कल तक बर्फ आपको हैवी मिल सकती है कुफरी और नारकंडा में। सो बने रहिएगा, अगले 5 दिन मौसम खराब है। आइए सेफ रहिए, गर्म कपड़े लेके आइए, बर्फ़ में चलने के लिए जूते अच्छे लाइए जो वाटर प्रूफ हो, ताकि आप गिरे ना, ठीक है। साथ में अपने वार्मर्स वगैरह कपड़े अच्छे पहन के आइए, वरना आप बीमार हो जाएंगे, और यहाँ से जब जाएंगे और सर्दी अगर आपकी चेस्ट पकड़ लेगी तो बहुत टाइम आप बीमार रहेंगे। स्टे सेफ और ध्यान रखिएगा हैंड सैनिटाइजर, मास्क हमेशा। थैंक यू गाइस, अगर आपको अपडेट अच्छा लगा, थैंक यू फॉर शावरिंग सो मच लव अपॉन मी, आपने बहुत सारा प्यार दिया है। बहुत जल्दी मेरा चैनल 50,000 क्रॉस करने वाला है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड माय फ्रेंड्स, डू व्हाट एवर यू वांट टू डू, जस्ट एंजॉय योर लाइफ। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।